हम रहते हैं यहाँ, ये हमारा घर, और हम में से अधिकांश लोगों ने अपना सारा जीवन यही इसी ग्रह पर बिताया है, इस खूबसूरत से तारों से भरे चादर के नीचे, बिना ये जाने कि आखिर हम कौन हैं और हम यहाँ आए कैसे थे। लेकिन जैसे जैसे हमें बुद्धि का विकास हुआ, हमने इस दुनिया को पढ़ना शुरू किया। करीब 4 शतक पहले हमने विज्ञान को समझना शुरू कर दिया और मानव सभ्यता प्रकृति के नियमों और इसके रहस्यों से रूबरू हुई। मानव खोज और आविष्कारों का सिलसिला चलता गया और हमें कई महान वैज्ञानिक मिले जिनके मन में ये प्रश्न आया कि आखिर उस चमकीले आसमान के परे क्या है। हमारी जिज्ञासा ने हमें अंतरिक्ष में झांकने के लिए मजबूर किया। फिर हमें पता चला कि हम कोई खास नहीं थे, बल्कि हमारी तरह खरबों प्लैनेट्स है जो कि अपने सूर्यों के चक्कर काटती है। आज हम जानते हैं कि केवल हमारी गैलेक्सी में ही अरबों खरबों सितारे हैं और ये दृश्य ब्रह्मांड ऐसे ही खरबों गैलेक्सियों से भरा पड़ा है। ऐसा अनुमान है कि केवल हमारे गैलेक्सी में ही अरबों हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद है, पर क्या हम कभी वहाँ तक जा पाएंगे, उन दूसरे तारों, उन दूसरे दुनियाओं में जो हमसे बहुत बहुत ही दूर है। हमने ऊंचे आसमान में उड़ान भरी है, हम धरती से भी बाहर गए, और तो और हमने चांद पर भी अपना कदम रखा है, हमने मंगल ग्रह पर भी अपना हस्तक्षेप दिया, और यहाँ तक कि हम गहरे अंतरिक्ष में भी जा चुके हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि हम दूसरे सितारों तक जा सके? बिल्कुल संभव है, इसी के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हमारे सूरज का सबसे करीबी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी, जो हमसे करीब 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस स्टार सिस्टम में कुल 3 स्टार्स है, अल्फा सेंटोरी ए और बी, जो कि आप जानते ही हो कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो कि एक दूसरे को चक्कर काटती है, और अल्फा सेंटोरी सी, जिसे हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक छोटा सा लाल बौना सितारा है, यानी रेड ड्वार्फ स्टार है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज का सबसे करीबी सितारा है, जो हमसे केवल 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अगस्त 2016 में खगोलविदों ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने ये देखा कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास भी पॉसिबली एक प्लैनेट है जो कि हमारी धरती के समान है, जिसे आज हम जानते हैं प्रॉक्सिमा बी के नाम से। प्रॉक्सिमा बी अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है, जिसका मतलब यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद होगी। प्रॉक्सिमा बी की खोज हम मानव सभ्यता के लिए वाकई में एक जीत से कम नहीं है, और शायद ये हमारे प्रजाति का पहला इंटरस्टेलर डेस्टिनेशन हो सकता है। साल 2015 में नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अपने 5 अरब किलोमीटर के सफर को पूरा किया था, जो कि प्लूटो तक का सफर था, और इसमें इसे कुल 9 साल लग गए थे। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 84,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से सफर कर रहा था, यानी एक सेकेंड में करीब 23 किलोमीटर, जो कि वाकई में काफ़ी तेज है। इस स्पीड से हम केवल आधे घंटे में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेंगे। अगर इसी स्पीड से किसी अंतरिक्ष यान को प्रॉक्सिमा बी तक भेजा जाए, तो उस अंतरिक्ष यान को धरती से लेकर प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने में लगेगा केवल 54,000 साल। यानी कि हमारे वर्तमान की टेक्नोलॉजी से नए सितारों तक सही समय पर पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह सच भी नहीं है। हमारे वैज्ञानिक एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं जो हमें प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचाएगा केवल 20 सालों में, और इसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। वेल, इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी साल 1985 में, जब साइंटिस्ट रॉबर्ट एल फॉरवर्ड ने स्टार विस्प के आइडिया को सामने रखा। एक अल्ट्रा लो मैस इंटरस्टेलर प्रोब, जिसे माइक्रोवेव बीम द्वारा प्रोपेल किया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में एक 100 मीटर चौड़ा कार्बन फाइबर सेल लगा होगा, जो बहुत ही पतला होगा, और इसके सेंटर में एक नैनो स्केल कंप्यूटर सर्किट होगी जिसमें सारे सेंसर्स लगे होंगे। ऐसा थियोराइज किया गया कि इस स्पेसक्राफ्ट का टोटल वेट केवल 1.08 किलोग्राम रखा जाएगा। ये माइक्रोवेव बीम्स इस स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश के गति के 10% गति से प्रोपेल करेगी, यानी करीब करीब 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। ये आइडिया काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसमें भी प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने में हमें करीब 40 साल लग जाएंगे। इतने लंबे समय में इस प्रोग्राम पर काम करने वाले साइंटिस्ट शायद बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो हमें कुछ अच्छा चाहिए था, कुछ बेहतर, जो इससे ज़्यादा फास्ट हो। तो यहीं से आया ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। पर इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि सोलर सेल्स या लाइट सेल्स क्या होते हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने लाइट सेल के बारे में बताया था। अगर नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उसे अभी देख सकते हो। तो लाइट सेल या सोलर सेल्स असल में एक तरह के सेल्स हैं जो लाइट के पार्टिकल्स द्वारा प्रोपेल होती है, ठीक जैसा एक बोट सेल में होता है हवा के जरिए। जैसे किसी बोट के सेल में हवा के टकराने से बोट की गति बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार एक लाइट सेल में लाइट के पार्टिकल्स उस स्पेसक्राफ्ट की गति को फॉरवर्ड आगे बढ़ाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट का वजन स्पेस में करीब 400 किलोग्राम का था। ये स्पेसक्राफ्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, करीब 84,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा था, जो कि फास्ट है
लेकिन उतना भी नहीं कि इससे इंटरस्टेलर ट्रैवल किया जा सके। लेकिन सोलर सेल्स बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का फ्यूल नहीं लगता, जिससे स्पेसक्राफ्ट का वजन बहुत बहुत ही कम हो जाता है। ऑर्डिनरी स्पेसक्राफ्ट में स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें अधिक फ्यूल टैंक्स लगाने पड़ते हैं और इससे स्पेसक्राफ्ट का भार भी बढ़ जाता है। तो ऐसे स्पेसक्राफ्ट द्वारा इंटरस्टेलर ट्रैवल करना नामुमकिन या कहें तो बहुत धीमा होता है। लेकिन ब्रेक थ्रू स्टार शॉट एक बहुत ही अच्छा विकल्प है इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए। तो ब्रेक थ्रू स्टार शॉट में फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 4 मीटर चौड़े सेल्स लगे होंगे जो बहुत बहुत ही पतले होंगे, केवल कुछ 100 परमाणुओं जितना मोटा, और इसके सेंटर में एक नैनो सर्किट लगा होगा जिसमें सारे सेंसर्स, कैमरास, एंटीनाज और बैटरीज लगी होंगी, और ये छोटा सा चिप ही मेन स्पेसक्राफ्ट होगा। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट चलेगा कैसे। तो जैसे कि लाइट सेल्स या सोलर सेल्स सन के द्वारा छोड़े गए फोटोन पार्टिकल्स द्वारा चलते हैं, वहीं ब्रेक थ्रू स्टार शॉट के साथ ऐसा नहीं है। इसे चलाने के लिए विजिबल लाइट लेजर्स को यूज किया जाएगा, जिन्हें धरती पर बने लेजर फील्ड्स के द्वारा उस स्पेसक्राफ्ट पर बीम किया जाएगा, जो केवल 1 घंटे के अंदर स्टार शॉट को प्रकाश की गति के 20% गति तक पहुंचा देगी, और वो केवल 20 साल में प्रॉक्सिमा बी के सफर को पूरा करेगा। लेकिन इसकी एक खामी भी है। हम स्टार शॉट को लाइट के 20% स्पीड से चला तो सकते हैं, लेकिन इसे इसके डेस्टिनेशन पर रोका नहीं जा सकता है। यानी ये प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचकर वहां रुकेगा नहीं, बल्कि वहां से पार हो जाएगा। यानी हमारे पास कुछ नैनो सेकंड्स होंगे उस प्लैनेट के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसलिए रूसी अरबपति यूरी मिलनर, जो कि ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स के मेन लीड हैं, इनका प्लान है एक के बजाय सैकड़ों या हजारों नैनोक्राफ्ट्स को लॉन्च करने का, जिससे हम प्रॉपर डेटा कलेक्ट कर सके। तो अब सवाल है कि स्टार शॉट प्रोग्राम अभी भी शुरू क्यों नहीं हुआ है। वेल, हमने कई सोलर सेल्स का सफल परीक्षण किया है। जैक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा 2010 में लॉन्च किया गया इकारस और प्लैनेटरी सोसाइटी द्वारा लॉन्च किया गया लाइट सेल इसके उदाहरण है। लेकिन स्टार शॉट सोलर सेल से काफ़ी अलग है। इसे बनाने की तकनीक हमारे पास आज नहीं है, लेकिन ये आइडिया इतना अच्छा है कि इसमें कई सारे बिलीनियर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टीफन हॉकिंग और मार्क जकरबर्ग ने भी इसमें अपना सपोर्ट दिया है। और खास बात यह है कि ब्रेक थ्रू स्टार शॉट आने वाले 20 सालों में एक रियलिटी बन जाएगी। यानी अनुमानित तौर पर आने वाले 50 सालों में हमारे पास प्रॉक्सिमा बी के वास्तविक तस्वीरें होंगी। यानी पहली बार मानव सभ्यता एक दूसरी दुनिया को देख पाएगा, और शायद अगर ये संभव हुआ तो हम पहली बार किसी एलियन सभ्यता को भी देख पाएंगे। तो हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप भी आने वाले 50 साल बाद अल्फा सेंटोरी की नज़दीकी झलक देख सके आपके इसी प्यारे चैनल अंतरिक्ष टीवी पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर जाने से पहले आप हमारे नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, व्लॉगिंग, Q&A और भी बहुत कुछ। तो नए चैनल आई एम कौशिक को फटाफट सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाओ यार, रुके क्या हो, फटाफट सब्सक्राइब करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर तुरंत फॉलो करो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।